हेलो फ्रेंड्स, मेरा फिर से स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपको ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ट्रू बैलेंस पे भी आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड किया जाता है, और उस क्रेडिट लिमिट का अगर आप लोग यूज़ कर लेते हैं और टाइमली पेमेंट किसी भी कारण से नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक है, उस एप्लीकेशन को अगर आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते ही साइनअप पर आपको 250 रुपये का बोनस दे दिया जाएगा। तो चलिए बात करेंगे हम लोग ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि आपको अगर इससे लोन लेना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी सारी डिटेल्स वेरीफाई करनी पड़ती है, और ये NBFC से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। ये बात भी आप लोगों को मैं सबसे फर्स्ट में बता देता हूँ, 100% रियल एप्लीकेशन है। और इसका आपको अगर आप किसी भी कारण से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, आपका ड्यू डेट अगर निकल जाता है तो फिर आपके साथ क्या होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं अगर आप लोग बाद में उसका पेमेंट करते हैं, या आपके चार्जेस इंक्रीज कर दिए जाएंगे। जो लोन का अमाउंट है, जो क्रेडिट का अमाउंट है, वो कुछ ही दिनों में 10,000 से 20,000 तक भी पहुंच जाएगा। तो इस बात का आपको खास खास ख्याल रखना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा दिन भर में कॉल आएंगे, कॉल करके काफ़ी ज़्यादा आपको तंग किया जाएगा, और आपको बार बार धमकी भी दी जाएगी कि आपके घर पे एजेंट आ रहे हैं, आपके घर पे पुलिस आ रही है, आप अपना पेमेंट जल्दी से हम लोग को कर दीजिए, कुछ इस तरह से आप लोगों से बात की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा कि ये ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन वाले फिर आपके ऊपर एक नोटिस जारी करेंगे, जो नोटिस 100% फेक नोटिस होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन की तरफ से आता है नोटिस, वो कोई लीगल नोटिस नहीं रहता है। इस बात का अगर आपको अच्छे से ख्याल होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले बता दी कि आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अगर पेमेंट नहीं करते तो आप बिल्कुल भी मत डरिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरा 5,000 का लोन है, वो 8,000 हो चुका है, मैं पेमेंट करूँ कि नहीं करूँ। तो अगर आप लोग पेमेंट नहीं भी करते तो वो आपकी सुविधा के ऊपर है कि पेमेंट आपको करना है कि नहीं। नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करेंगे मेनली क्या हो सकता है, तो मेनली दोस्तों आपको इस साथ एक ही प्रॉब्लम आएगी कि जो आपका सिविल स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया जाएगा बहुत ही लंबे समय तक अगर आप लोग पेमेंट ड्यू रखते हैं तो। और सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा लो होने का मतलब ये है कि फिर आपको आपको फ्यूचर में कोई लोन चाहिए होगा तो वो कभी भी आपको नहीं दिया जाएगा। ये आप लोग को इस बात का खास खास ख्याल रखना होगा। इसके अलावा और फिर आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप मैं बता देता हूँ पहले ही कि अगर आप इसका लोन ले चुके हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इससे लोन पहले से ले लिया है तो आप इसका टाइमली पेमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर पाते किसी भी कारण से तो फिर आप पेमेंट छोड़ भी सकते हैं, इसका नहीं भी कर सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको फिर फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एक और आपके पास ऑप्शन आता है लोन को सेटलमेंट करने का। तो फिर इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें होता क्या, तो दोस्तों एकदम ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले हमारे वीडियो पे अगर नए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस ऑप्शन में क्या करना होगा, तो इस ऑप्शन में आपको जो लोन सेटल कैसे हो, तो जैसे 10,000 का लोन है वो अब आपको चार्जेस के साथ 20,000 हो चुका है, तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट का बस 50% आपको पे करना है, इससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना है। इस बात का आपको खास ख्याल रखिएगा। तो 5,000 में आपका लोन सेटल हो जाएगा अगर आपने 10,000 लिया था और उसको वो 20,000 हो चुका था। 5,000 से कम में भी हो सकता है, वो आपकी सुविधा के ऊपर है कि आपके ऊपर कितना पैसा है, आपके ऊपर आप पास अभी कितना अमाउंट है उस हिसाब से। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इस एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछ सकते हैं, आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे।